काफी सारे लोग जो है एक प्रॉब्लम से काफी परेशान है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो ये हमारा कफ होल्डर और इसमें जो है पिस्टन्स लगी हुई है। सो इसमें एक प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा होती है वो है प्रीमिक्स, जो मसाला होता है हमारा वो यहाँ से निकलना चालू हो जाता है। और कभी कभी आप ये भी देखे होंगे कि जो पिस्टन है हमारा, जैसे ये रॉड दिख रही है आपको, इसी को हम पिस्टन बोलते हैं। सो कभी कभी इसके साथ में जब ये अप डाउन रन करता है तो उसके साथ में भी प्रीमिक्स पाउडर की एक मसाला की एक पतली परत निकलना चालू हो जाती है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चिपका हुआ है, जो काला काला आपको दिख रहा होगा, ये दरअसल प्रीमिक्स की जो मसाला होती है सो उसका गीला पाउडर होता है जो बैक करके यहाँ से निकल जाता है। सो उसका रीज़न होता है हमारा ऑयल सील, जो कि इसमें दो तरफ जो है ऑयल सील लगी होती है, एक सामने की तरफ लगती है और एक जो है पीछे की तरफ लगती है। सो इनके वजह से क्या होता है कि जब ये घिस जाती है तो जो लाइनर होता है हमारा वहाँ से इनको गैपेस मिल जाते हैं, मतलब मसाला निकलने का जगह बन जाता है, जिनके वजह से यहाँ से मसाला बाहर निकलता है और यहाँ से भी निकलना चालू हो जाता है। इससे दो तरीके से परेशानी होती हैं। पहला तो आपका मशीन जाम के जैसा चलने लगता है, मतलब थोड़ा थोड़ा जाम बोलेगा, और जो ये पिस्टन होता है यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है वो गर्म हो जाता है। तो गर्म होने का रीज़न यही होता है कि यहाँ प्रीमिक्स पाउडर की क्वांटिटी जमा हो जाती है, फिर वो जाम बोलती है, जिनके वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और काफ़ी सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि इसका जो ऑयल सील होता है उसे हमें कैसे चेंज करना है। सो अभी इसका हम जो है कफ होल्डर खोलेंगे, उसके बाद आप पूरा चीज़ देखिएगा। सो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें से ऑयल सील जो है उसे कैसे चेंज किया जाता है, फिर आपका जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो फिलहाल आप इसका कंडीशन देख सकते हैं कि पूरा प्रीमिक्स जो है जम चुका है, मतलब मसाला जो होता है वो पूरी तरीके से जम चुका है। और देखिए आप जो सील लगी होती है वो पूरी तरीके से दिख ही नहीं रही है, मतलब प्रीमिक्स में या फिर पिस्टन में घिस घिस के वो प्लेन हो चुकी है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आपको जो है इसका ऑयल सील दिखना चालू हो जाता है, एक ऑयल सील जो है यहाँ लगती है, एक ऑयल सील जो है ये सामने की तरफ लगती है। अभी सामने देखेंगे तो जो ऑयल डालने का होल्डर भी होता है, मतलब ऑयल डालने का जो सामने का जो छेद होता है वो भी पूरी तरीके से प्रीमिक्स में जम चुकी है, मतलब मसाला इसमें घुसा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। सो इसका अभी हम ऑयल सील चेंज करेंगे, तो वो आप सबसे पहले देखिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारी मशीनों में दो तरीके की कफ होल्डर जो है लगती है, कफ होल्डर का हो या फिर आप पिस्टन सेट का हो। एक होती है हमारी हांगटोंग मॉडल की पिस्टन सेट्स होती हैं, जिसमें इस तरीके की जो है कफ होल्डर्स लगती है। और ये जो होता है ये होता है हमारा वियतनाम मॉडल, जिसको बोलते हैं वियतनाम पिस्टन मॉडल बोलते हैं इसको। सो इसमें जो है लॉन्ग टाइप की जो है कफ होल्डर लगती हैं, जो कि लंबा होता है। सो जैसा कि देख पा रहे हो तो इस तरीके से इसमें जो है मसाला की क्वांटिटी घुस जाती है, जिनके वजह से जो है आपका पिस्टन भी जाम बोलता है, ऑयल डालते नहीं बनता, जिनकी वजह से जो आपका पिस्टन है वो जाम बोलता है। सो इसको चेंज कैसे करना है, ज़्यादातर लोग इसके लिए ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि इसको चेंज करने के लिए काफ़ी दिक्कत जो है थोड़ा सा करना पड़ता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ लगता है इनका रबड़, जो कि प्रीमिक्स पाउडर में प्रीमिक्स में पूरी तरीके से जम चुका है, और एक जो है यहाँ पे लगता है। तो ये दोनों को फटाफट से खोलते हैं। और आप इसको खोलने के लिए आपको दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक आप तार रख लीजिए, जो कि आपको मशीन में ही मिलती है। एक ऐसा चीज़ आपको रखना है, नुकीला चीज़, जिससे वो आसानी से उनको साफ करते बने और निकालते बने। और इसको ड्राइवर आप चाहो तो रख सकते हो। सो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सफाई कर लेते हैं। सो ये थोड़ा सा हमने साफ कर लिया, अब इसको जो है थोड़ा सा आपको निकालना है। निकालना कैसे है, ये नुकीली चीज़ है, उसको पहले जो प्रीमिक्स की क्वांटिटी जमी है उसको साफ कर लेना है, फिर उसके बाद से आपको निकाल लेना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सो इस तरीके से जो है आपकी ऑयल सील पूरी तरीके से खराब हो जाती है, जिनके वजह से आपका यहाँ से मसाला जो है निकलता है और पीछे की तरफ से भी निकलता है। तो ये जो है आपकी खराब वाली रबड़ है, जिसको हम ऑयल सील बोलते हैं। ये आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन कोशिश करोगे आप तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो आप देखिए दोनों तरफ का ऑयल सील जो निकल गया है। अभी देखो प्रॉब्लम इसमें क्या होती है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा सो
पूरी तरीके से कट चुकी है। जैसा कि एक नया ऑयल सील दिखाता हूँ, दोनों में फ़र्क क्या होता है। जैसा कि हमारा ऑयल नया ऑयल सील है, तो इसमें आप देखिए कि ये बीच का जो गड्ढा वाला हिस्सा है और दो तरीके के आपको रबड़ इसमें आपस में चिपकी हुई है, लेकिन इसमें ये पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। दोनों में आप फ़र्क देख सकते हो। सो ये हमारा ख़राब वाला है, ये हमारा भी नया वाला है जिसको हम अभी डालेंगे। सो इसको साइड में रखते हैं और ये हमारे दो तरीके के ऑयल हैं जिसमें आगे और पीछे दोनों तरफ हम डालेंगे। सो अभी जैसा कि देख पा रहे होगे, इसे हमने अच्छे तरीके से जो है साफ कर लिया। और देखिए आप, जो जगह होती है सील लगाने के लिए, तो वो होती है जैसे कि आपको थोड़ा सा गड्ढे के जैसा दिख रहा होगा, जिसमें से हमारा जो ऑयल सील है वो बैठेगा। तो एक पीछे की तरफ और एक होता है हमारा सामने की तरफ। सो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो इसका गेप है जहाँ पे ऑयल सील बैठना है, उसको अच्छे तरीके से आप साफ कर लीजिए। और ज़रा भी छोटा सा जो मसाले का टुकड़ा वो नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अच्छे से नहीं बैठेगा ऑयल सील। सो ये है हमारा ऑयल सील। अब इसमें आप देखिए कि ये इसमें बैठेगा कैसे। तो आपको इस तरीके से लगानी है, ऑयल सील लेनी है। सो एक आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सो ये जो उभरा वाला हिस्सा होगा वो आपके सामने की तरफ होगा, मतलब इधर सामने की तरफ होनी चाहिए, ताकि जो आपका जो पिस्टन आपका रनिंग करेगा, सो वो पीछे से जो है बैक नहीं करेगा प्रीमिक्स पाउडर। प्रीमिक्स पाउडर को ये जो एक्स्ट्रा जो रबड़ आपको दिख रही होगी सेकेंड नंबर का, वो रोक के रखेगी। जैसे कि ये लाइनर आपको दिख रही होगी किनारे किनारे पे, तो वो प्रीमिक्स को बाहर की तरफ आने से रोकती है। तो इसका ऑयल सील लगाने का रीज़न यही होता है, जिससे कि जो बैक से निकलने वाली मसालाएं होती हैं, मतलब जो प्रीमिक्स निकलता है एक्स्ट्रा, वो बंद हो जाता है। सो इस तरीके से आपको रखनी है और इसका मुंह इसी तरीके से रहेगा। तो इसको आपको लगानी है, कभी भी इसको इस तरीके से नहीं लगाना है आपको। इस तरीके से आप लगाओगे तो आपका जो पिस्टन होगा वो यहीं से रुक जाएगा, वो आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। और सबसे ज़्यादा इसी टाइप के जो कफ होल्डर होते हैं उसमें परेशानी होती है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ ऑयल सील लगी होती है। तो लोग क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑयल सील कैसे लगता है, क्योंकि ऑयल सील मशीन में चलने के बाद भी दिखता नहीं है कभी कभी, क्योंकि वो मसाला पे पूरी दब जाती है। और जो ये वाली ऑयल सील होती है, मतलब ये वाला जो कफ होल्डर होता है, वो ईजिली होता है, क्योंकि इसका जो ऑयल सील आप देखोगे तो यही सामने पे दिख रही होगी, तो ये आसानी से लग जाती है, आसानी से फिट हो जाती है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन ये बड़े साइज के जो कफ होल्डर होते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ऑयल डाल लेना है, डालने के बाद धीरे धीरे आपको इसको बैठाते जाना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से जो है आपका जो है ऑयल सील बैठेगा। अब जो है हम सामने का लगा लेते हैं। सेम उसी तरीके से आपको सामने का भी लगाना है। सो अब हम सामने की तरफ लगाते हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा ऑयल्स वगैरह आप डाल लीजिए। और इसको लगाना कैसे वो देखिए। ये दरअसल इनके अपोजिट लगता है जस्ट। अभी हम इसको क्या किए थे, इस तरफ ऐसे लगाए थे, मतलब ये इस भाग में इसको लगाए थे। अब हमको क्या करना है, सामने की तरफ डालने के लिए इसको जस्ट उल्टा करना है। उल्टा करके आपको डालना है। उल्टा मीन्स ऐसे नहीं, आपको पलटना है खाली और कुछ नहीं करना है। तो जो भी रबड़ का जो एक्स्ट्रा जो हिस्सा होगा वो आपके आगे की तरफ आएगी। तो इसको भी हम डाल देते हैं। ये थोड़ा सा दिक्कत होता है डालने में, क्योंकि इसमें जगहें बहुत कम होती हैं। ये हमारा अच्छे तरीके से फिट बैठ गया। तो देखिए, आपको ऑयल सील अब नज़र आ रही होगी। सो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें जो किनारे का जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये है हमारी ऑयल सील जो कि अच्छे तरीके से बैठ गई है। अब क्या होगा, जब आपका पिस्टन अंदर की तरफ जाएगा तो मसाला जो है वो बैक नहीं निकलेगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो रबड़ की जो साइजेस होते हैं वो घिस जाने की वजह से इसमें ये प्रॉब्लम होता है। तो जो है इस तरीके से आप अपने कप होल्डर में ऑयल सील लगा सकते हैं आसानी से। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में आपको दिक्कत होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो ऑयल सील लगाने का प्रोसेस है वो आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से और जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।